हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे तिल गुड़ के लड्डू, यानी कि तिल की चिक्की। ठंडी की सीजन और खासकर मकर संक्रांति पर ये ज़रूर बनाए जाते हैं। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे 300 ग्राम तिल लिए हैं। ठंडी की सीजन में गुड़ और तिल शरीर को गर्माहट देते हैं। चलिए अब इसे मीडियम फ्लेम पे रोस्ट कर लेते हैं। गैस की फ्लेम को मीडियम रख के इसे अच्छे से रोस्ट कर लेते हैं। जैसे ही तिल गर्म हो जाते हैं, ये चटकने लगते हैं और ये बहुत ही जल्दी रोस्ट हो जाते हैं, तो गैस की फ्लेम को हमें ज़्यादा नहीं रखना। तिल को अच्छे से हम चलाएंगे और मीडियम फ्लेम पे ही रोस्ट करेंगे। जैसे ही कलर चेंज होता है, तिल रोस्ट होके रेडी है। अब हम गुड़ को गरम कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे 300 ग्राम गुड़ लिया है। 300 ग्राम तिल के साथ 300 ग्राम गुड़ लिया है। आप चाहे तो गुड़ थोड़ा कम कर सकते हैं। गुड़ को हम मीडियम फ्लेम पे गरम कर लेंगे। देखिए, गुड़ हमारा मेल्ट हो चुका है। आपको खास ये बात ध्यान में रखनी है कि यहाँ पे हमें चाशनी नहीं लेनी। बस गुड़ को मीडियम फ्लेम पे ही ऐसे पकाना है और थोड़ी देर बाद, गर्म होने के बाद इसे नीचे ले लेना है। देखिए, गुड़ का कलर थोड़ा चेंज हो गया है। तब इसमें हम 1 टेबलस्पून घी डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गुड़ रेडी है, इसमें हम तिल डाल देते हैं और अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। आपको एक बात यहाँ पे नोट करनी है, जब तिल के लड्डू बनाते हैं तब गुड़ की चाशनी हमें नहीं लेनी। गुड़ गर्म हो जाए और उसमें बबल्स होने लगे और गुड़ का कलर चेंज हो जाए, तो हमें डायरेक्ट ही उसे गैस की फ्लेम को बंद कर देना है। अब फटाफट से हाथ में घी लगाकर इस तरह से सारे लड्डू बना लीजिए। हाथ में घी लगाने से तिल हाथ में चिपकेगा नहीं। देखिए, सारे लड्डू बनके रेडी है हमारे। अगर आप चाहें तो इस तरह से बेलकर चिक्की भी बना सकते हैं। देखिए, ये भी एकदम क्रिस्पी बनी है। बनके रेडी है हमारी गुड़ और तिल की चिक्की और लड्डू।